शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। आप अच्छे हों प्रभु से आशा करते हैं। आप बिल्कुल अच्छे हों। आपको प्रभु इतनी शक्ति दे कि आप दिन प्रतिदिन बच्चों में इतना सुधार करें कि बच्चे आपके पीछे पीछे डोलें, आपके पीछे पीछे आपका ही नाम लें, सोते जागते आपका ही गुणगान करें। चलिए बच्चे आगे, अध्यापक साथियों आगे बढ़ते हैं। शिक्षण योजना है, विषय कलरव है, कक्षा एक, और हमारा समय कम से मिनिमम 35 मिनट और अधिकतम 40 मिनट। रही बात दिनांक की, जिस दिन आप इसे पढ़ाएं उस दिन दिनांक डाल लेना। लर्निंग आउटकम, बच्चे वर्णमाला लिखने से पूर्व, अब क्या है, लिखने से पूर्व रेखाओं पर उंगली फेरने में सक्षम हैं तथा अंगूठों के निशान पर कुछ जानी पहचानी आकृति बना लेते हैं। तो प्रकरण है हमारे लिखने की तैयारी। तो साथियों, सहायक सामग्री, सहायक आवश्यक सामग्री, श्यामपट, हरी पट्टी, कक्षा कक्ष में दीवार पर बनी हुई अंगूठा लगाने की स्याही और प्लेन पट्टी। साथियों इसी के साथ दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाएंगे, यूट्यूब पर भी वीडियो दिखा सकते हैं। चाक डस्टर ये सब हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों हमें लिखाने से पूर्व या पढ़ाने से पूर्व बच्चों एक दो दिन हमको बच्चों को कुछ नहीं कहना है। बच्चों को केवल ये पूछना है, बेटा किस गांव से आए हो, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में क्या बनता है, ठीक है, और कौन कौन सा खेल खेलते हो। जब ये सभी बच्चों को पूछेंगे, तालियां बजवाएंगे और कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे खुश हो जाएं बच्चे, क्योंकि कक्षा एक है ना ये, इसलिए। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा, जब पहले दिन बच्चे आए तो यानी जैसे ये लाइन है तो लाइन पर एक सीधी लाइन खिंचवाना सिखाएं, ठीक है। यदि वो ऊपर निकाल दें नीचे निकाल दें तो केवल उनको समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले दिन उनको कुछ ना बताएं, पढ़ाएं लिखाएं कुछ नहीं, केवल उनको खेल खिलाएं, गतिविधि कराएं, ठीक है। कोई जैसे कोई कविता है तो कविता ऐसी छोटी होनी चाहिए, केवल चार लाइन की होनी चाहिए या दो लाइन की हो, जिससे बच्चे थोड़ा खुश हो जाए, और उनको खिलाइए, दौड़ाइए, भगाइए, यानी पहले दिन। लेकिन सुरक्षित दौड़ाना भगाना है उनको, ये नहीं है कि कहीं टकरा जाए, ठीक है। तो उनको कहिए, और बच्चा वैसे बोलना जानते हैं, सुनना बोलना लिखना पढ़ना ये क्रम है। तो लिखने से पूर्व तो उनको क्या है, पहले हमको ये जीरो सिखाना है। जीरो में यदि वो सही जीरो नहीं बनाते हैं तब भी कुछ नहीं कहते हैं, कहना है कोई बच्चा ऐसी जीरो बनाएगा, कोई ऐसी जीरो बनाएगा, लेकिन तुमको कुछ नहीं, शाबाश शाबाश ऐसे कहना है पूरे दिन भर, ठीक है। तो लंच तक तो आपको उसके ये सब पूछना है। तो ये नहीं है कि एक दिन पूछ के रह के दूसरे दिन भी आपने पूछ सकते हैं कि आज कुछ बच्चों से या पूरे बच्चों से, क्योंकि क्या है, लगभग एक मान लीजिए जब कक्षा एक का बच्चा है तो एक महीने तक तो लगभग उसको खिलाना पिलाना, एक तरह से खिलाना ही मान लीजिए, पढ़ाना तो कम ही मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम दे दीजिए। तो उनको सबसे पहले हम जीरो लिखना सिखाएं, ठीक है साथियों। फिर दूसरे दिन दो तीन दिन तक जीरो जीरो लिखना सिखाएं, और बस अधिकतम जीरो भी एक बार यदि पूरे पेज में बच्चे ने जीरो लिख दिया तो बस उसका काम पूरा हो गया। उन्हें मारें ना, उन्हें अपने उसमें प्रांगण में ले जाएं और खिलाएं, ठीक है। तो ये आप एक पेज कक्षा एक का बच्चा एक पेज जीरो, ये मान लीजिए पूरे लंच टाइम तक लिखेगा। आपको क्रोध नहीं करना भैया और साथियों, भाई देख लीजिए भाई साथियों, मैंने देखा है कि जिन बुजुर्ग अध्यापकों ने मेहनत की थी, चाहे कोई रेलवे कर्मचारी हो, टीटी हो, चाहे कोई मास्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे रेल में भैया कोई भी किसी प्रकार का पद हो, चाहे बीडी हो, सीडी हो, क्या कोई हो, तो साथियों जिन ने गरीबों का साथ दिया है, 90% लोगों के बच्चे सक्सेस हैं,
और भैया 10% निकम्मे लोगों के भी पच्चे सख्त रह दें, उस पर मत जाना। जब तुम ये कहो ना कि उसने ज़िंदगी में चाक नहीं उठाया है, डॉक्टर ने कभी ड्यूटी नहीं की है, वो उस टीटी ने दिन मतलब रिश्वत और घूस ली है पूरी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बच्चे हाई पाई हैं, लेकिन तब मेरे साथियों आप 10 लोग देख लेना जो आपके सामने ड्यूटी में हो, तो 90 लड़कों 90 लोगों के 90 कर्मचारियों के 90 सरकारी कर्मचारियों के बच्चे बर्बाद हैं। चाहे उन्होंने कुछ भी कमा लिया, बच्चे बर्बाद हैं तो सब कुछ बर्बाद है। हमने कई प्रोफेसरों को भी देखा है, मास्टरों को भी देखा है, डॉक्टरों को भी देखा है, जिन्होंने मेहनत की है। मान लीजिए 10 लोगों ने मेहनत की है तो 9 लोगों के बच्चे उनसे भी ज़्यादा बुलंदियों पर हैं। मैं तो साथियों अध्यापकों, आप वीडियो जो भी देख रहे हैं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही अनुरोध करूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेहनत कीजिए। मैंने देखा है कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं, अध्यापक कहना गलत है, कर्मचारी जो कुछ नहीं करना चाहते हैं और एक और बातें भी ऐसी करते हैं, उसमें कोई किसी का भला नहीं होना, बस एक दूसरे की बुराई करना है, एक दूसरे की वो करना है, कटौती करना है, बस इतनी प्रकार से बातें करते रहते हैं। भैया अब ये आपकी इच्छा है भाई, अब इसे ना हम कुछ कह सकते हैं। जब हमारा अमीर जागेगा, जब हमारा दिल मानेगा तो हम अच्छा कर्म करेंगे। और साथियों हमको तनख्वाह मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम यदि अच्छा काम करेंगे तो प्रभु हमारे साथ अच्छा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अच्छा करेगा वो तो करेगा ही भैया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब लिखने से पूर्व की तैयारी करें तो बच्चों को क्या है, लिखने से पूर्व एक तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक तो ये लाइन पर एक लाइन खींचना सिखाएं और एक जीरो सिखाएं, ठीक है। और क्या है, जैसे बच्चा है, आप लिख दीजिए कुछ भी लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए बोर्ड पर, और बच्चे को बुला लीजिए, बेटा इस पे उंगली फेलो, तो निश्चित सी बात है वो मिटर जाएगा, कोई बात नहीं है। 5 लिख दीजिए, उस पे उंगली फेर के आबा दो, ठीक है। या बच्चों से किसी बच्चे को बुलाइए और कॉपी जो हमारी करलब है बड़ा बड़ा लिखा है, बेटे इस पे उंगली फेर, पहले अपनी उंगली फेर के दिखा दो, फिर ऐसे ऐसे बेटे उंगली फेरो, ठीक है। तो यानी यदि बच्चा हमारा उंगली फेरना भी जान गया तो ये समझ लीजिए बहुत कुछ जान गया। पूरे महीने में आप उंगली फेरना सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और पहले दिन टेस्ट तो आप लेना ही क्या है, 3-4-5 के बच्चों का, 6-7-8 बच्चों का टेस्ट ले लीजिए, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सर ये पहले बिल्कुल शून्य थे और अब मैंने इनको, माना बच्चा 6ठी क्लास में है तो पहले बच्चे शून्य थे, अब मैंने इतना इतना दिया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री वही चाक है, डस्टर है, अंगूठा है और वो आपका दीक्षा वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं। अब बच्चों के साथ में बातचीत करना है, बच्चों के साथ उनकी कॉपी पर अंगूठे की छाप लगाकर उन पर आड़ी तिरछी रेखाओं और गोलों की तरह से बनवाइए, अंगूठा लगवा लीजिए, ठीक है, उंगली लगवा लीजिए, या फिर बच्चों से कुछ भी बेटा बनाइए, तो यही सब है। और मतलब गलत वलत कुछ भी बनाए कोई बात नहीं है, शाबाशी देना है हमको, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आकृतियां बनवाएंगे जिससे बच्चों के लिखने की पूर्व तैयारी होगी, बच्चे को बोर्ड पे बुलाएंगे और आप क्या है उस पे कुछ लिख देंगे, बच्चे से कहेंगे बेटा उंगली फेर दो, बेटा उंगली फेर दो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप जागरूक हैं, वो जानते भी होंगे लिखना भी, तो उनको थोड़ा सा अपने दिमाग के अनुसार अलग काम दे दीजिए। ऐसा 5% बच्चे होंगे, 95% बच्चों को हम तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। शिक्षण के दौरान बच्चों को दो दो समूह में बैठा कर उन्हें एक चाक देकर दीवार के पास बैठे बच्चों को हरी पट्टी पर लाइन सीधी आड़ी तिरछी बनाने को कहेंगे। अब बच्चे अपनी कॉपी पर अंगूठा का निशान उनकी सीमा रेखा पर पेंसिल फिराकर किसी भी प्रकार की आकृति बनाने का प्रयत्न करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षिका की सहायता लेंगे, शिक्षक की सहायता
लेंगे। ठीक है, बच्चों से कैसी भी आकृति बना, बेटे भालू बनाना जानते हो, ये बनाना जानते हो, कलम बनाना जानते हो, पेन बना के लाओ, बच्चे कुछ भी बना के लाएं, बस उनका पीठ थपथपाओ, अच्छे कहो बस। और थोड़ा सा साथियों ये भी ध्यान रखना है, जैसे ग्रामीण परिवेश से बच्चे आएंगे तो बिना नहाए धोए आएंगे, नाक बह रही होगी तो उन्हें प्यार से बैठे नाक फेंक के आओ, अन्यथा की स्थिति में ये हो जाएगा, नाक में कीड़े पड़ जाएंगे, जाओ जाओ अच्छा, और सुंदर बन जाओगे, राजा बाबू बन जाओगे, ऐसी करके उनको समझाओ। 5-6 दिन में आप कक्षा 1 का बच्चा 10 दिन में, मतलब 10 दिन में आपके 90% बच्चे अच्छी तरह आने लगेंगे। और उन्हें थोड़ा नहवा नहवाने के लिए भी बच्चों से कहिए, और नहीं तो भंडारियों से नहवा दीजिए, आजकल तो समर सेवल लग गई है, और एक नली खरीद लीजिए, जो बच्चे हैं भंडारियों से कहिए भैया एक एक उसमें, मान लीजिए कम बच्चे हैं तो 2 भंडारी खाना बना सकती हैं, एक भंडारी नहवाएगी और तीनों में से कोई ना कोई एक भंडारी ऐसी राजी हो जाएगी, हाँ मैं नहवाऊंगी। ठीक है, एक तो उन्हें नहवा दिए, नहवा के धूप में बैठा दिए, जब सूख जाएं तो बेटे आप वो पहन लीजिए। तो ठीक है, उन बच्चों से बताते रहिए बेटे नाक साफ कीजिए, नाक नाक से निकलिए, ऐसे बताइए अपनी, ठीक है नाक से निक दीजिए उसकी, या बता दीजिए बेटे अपनी नाक पकड़ कैसे करो, साहब शाबाश हाथ को धो लो ये तो। और यदि आप ज़्यादा सक्रिय हैं तो उनके लिए साबुन वाबन ला के दे दीजिए, नहीं ज़्यादा सक्रिय नहीं तो बस नलवा दीजिए, कोई भी आकृति बना दीजिए, 8 लिखवा दीजिए, 7 लिखवा दीजिए, कोई भी आकृति बना दी। तो साथियों जो मैंने इसमें लिखा है ये मेरे किसी साथी ने मुझे दिया है, तो क्या है ये आपका लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्ति अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, जो बच्चे के उसमें हो, जो बच्चे के हित में हो और हमारे हित में हो। चलिए शिक्षण के अंत में क्या करेंगे, शिक्षिका श्याम पट पर कुछ आकृतियां बनाकर बच्चों से उनकी कॉपी में आकृति बनाने के लिए कहेगी, साथ ही उनका निरीक्षण करेगी। भैया कॉपी में तो बाद में ही बनवा ला, पहले क्या है, या फिर ऐसा कीजिए 1-8 बना दीजिए, या कोई भी ऐसी सरल सी आकृति बना दीजिए और बच्चों से कह दीजिए बेटा अपनी कॉपी में बना लीजिए, बार बार बच्चे आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये कम से कम लिखा लिखने का काम 3-4 दिन ही बाद करेंगे। 0 और लाइन, एक तो 0 बनवाते रहिए बहुत दिन तक, हमने 4-5 दिन तक, और एक लाइन पर लाइन खिंचवाते रहिए इस प्रकार से। और यदि ऊपर नीचे भी लाइन हो जाए तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं धमकाएंगे, फिर 2-3 दिन इतना लिखवाएंगे तो इसके बाद फिर क्या है इस प्रकार से लिखना शुरू करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा हम देखते हैं आ आ है, जो हमारा आ है इस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे और बच्चों वो आड़ा तिरछा कैसा भी बनाएं बच्चों से किल्लाएंगे नहीं, कम से कम 2-3 दिन तक बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फिर इसके बाद हम क्या है ये सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये सिखाएंगे, ठीक है नहीं, ये भी कम से कम 3-4 दिन में सिखाएंगे, ये वाली जो गिनती है 2-3 दिन कम से कम यही करवाते रहेंगे, शाबाश कहानी सुनाते रहेंगे उनको, उनसे राजी खुशी लेते रहेंगे, बेटा टॉपिक आए क्या खाया, कम से कम 2 घंटे तो इसी में लगाओ डेली के डेली। ठीक है, जिससे बच्चे डेली आने लगें। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या है कि समय देना नहीं चाहते, कुछ बोलते हैं बात करते हैं तो बड़ा 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 मार देते हैं, बच्चे पूरे दिन भर सुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि यदि फिर कहेंगे तो फिर मारेंगे, फिर कम से कम 3रे दिन ये बोलेंगे, 3 पूरा सप्ताह निकाल दीजिए इसमें, और इसमें 3 दिन निकाल दीजिए, और इसमें फिर 3 दिन निकाल दीजिए। अब आएगा 4th दिन, मतलब फिर अगला सप्ताह आएगा, फिर ये इतना ऐसे लिखना सिखाइए, जब इतना लिखना सीख जाए तो फिर उसे ये लिखना सिखाइए। ठीक है, जब ये वाली ये हो जाए तो फिर उसको, जब ये हो जाए 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर उसको ये लेना सिखाइए। ठीक है, जब इतना लिखना सीख जाए तो, जब इतना लिखना सीख जाए तो हम पहले क्या सिखा चुके हैं 1 लाइन, फिर ये हमारी, फिर ये भी सिखा चुके हैं, फिर उसको हम इस प्रकार से सिखाएंगे। यानी लगभग 15 दिन में आ लिखना सिखाइए, फिर आ से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, आ से बड़ा आ भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगी। देखिए ये हो गया, फिर ये करना है। ठीक है, पहले है यानी ई की जगह उसे टा लिखना सिखाइए, टा
पहले टा लिखना सिखाइए, टा के बाद अड़ा लिखना सिखाइए, अड़ा के बाद जब घुंडी लगाना सिखाइए, क्योंकि ई बहुत कठिन होती है ई और बड़ी, पर छोटे ऊ में तो कुछ है ही नहीं, वो सीख ही जाएगा, ये लीजिए छोटा ऊ। ठीक है, तो पहले उसे बड़े प्यार से सिखाना जिससे बच्चे डेली आए। बच्चे अपने आसपास लगे पेड़ पौधों पर पत्ती लग लेकर उनकी आकृति कॉपी पर बनाएंगे। कोई चीज़ दे दीजिए बेटे, ये कुछ दे दीजिए बेटा, इसकी आकृति पेन फेरिए चारों तरफ। ठीक है साथियों, आगामी शिक्षण योजना जो आपको लग रहा है उसकी आगामी शिक्षण योजना बनाएंगे। और स्व आकलन में क्या है, शिक्षक अपना स्व आकलन करना है, न कि बच्चों का स्व आकलन करना है, अपना शिक्षक अपना स्व आकलन करेंगे। तो उसमें क्या है, जब वो स्व आकलन हो जाएगा, जब स्व आकलन हो जाएगा तो करना क्या है। तो साथियों पुनः एक बार नमस्कार, और यदि आप किसी प्रकार का वीडियो और भेजना, किसी प्रकार का आपको लगता है कि मेरी शिक्षण योजना बिल्कुल सही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7301-16-16-145 पर अपना कोई भी कुछ भी लिखवाना है, यानी कोई भी वीडियो, मतलब कोई भी शिक्षण योजना आपको भेजनी है जो लगता है कि नहीं सर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी है, तो मैं आपका नाम और जितनी आप उसमें जानकारी देंगे, आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपके ज़िले का नाम, ये सब मैं लिखकर बोलकर बताऊंगा। आप लिख दीजिए पेज पर, ऊपर ही लिख देना, मैं बताऊंगा ये शिक्षण योजना इनके द्वारा तैयार की गई है। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ रहे। यदि आप मेरा दिन भी शुभ करना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।